हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बिना स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, शिक्षक हिंदी अंग्रेजी माध्यम में दस्तावेज परीक्षण के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, इसके लिए आपके पास कॉल लेटर आएगा। और अभी तक आपके पास कॉल लेटर नहीं आया है तो आप अपने नज़दीकी पोस्टमैन से जाकर पता कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह एक कॉल लेटर है, तो ऐसे ही कॉल लेटर आपके पास आएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कॉल लेटर में क्या क्या डिटेल्स मंगा गया है। तो कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर से यह कॉल लेटर जारी हुआ है, और ये कॉल लेटर अंग्रेजी शिक्षक के लिए जारी हुआ है। उसका नाम मैंने मिटा दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें विषय दिया हुआ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम उपरांत शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों का सत्यापन विषय। संदर्भ छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम दिनांक 21/11/2019। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा जारी मेरिट सूची में आपका नाम लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर द्वारा शिक्षक विषय अंग्रेजी के पद पर सम्मिलित है। अतः शिक्षक पद पर नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित मूल अभिलेखों एवं मूल अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के 5 सेट प्रत्येक संभाग हेतु 1 सेट के साथ शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTET शंकर नगर रायपुर में दिनांक 21/1/2020 को प्रातः 10 बजे, जिसमें आपका रैंक होगा 1 से 400 तक एवं दोपहर 1 बजे तक, और सरल क्रमांक 401 से 750 तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होए। तो ये आपके ओवरऑल रैंक 1 से 400 तक और उसके बाद 401 से 750 तक बुलाए गए हैं। वांछित अभिलेख इस प्रकार हैं, सभी दस्तावेज की छाया प्रति भी 5 प्रतियों में लाए। तो जितने भी संभाग में आपने अप्लाई किया है उतने संभाग के लिए आपको छाया प्रति लेकर जाना है। और सत्यापन प्रपत्र आवेदक स्वयं 5 प्रति में लेकर आए, और इसका प्रारूप www.eduportal.cg.nic.in में उपलब्ध है। इसके साथ आपको 5 पासपोर्ट साइज फोटो, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 12वीं की मार्कशीट, स्नातक मार्कशीट, संबंधित विषय की 3 वर्षों की सेमेस्टर की, यदि आप सेमेस्टर में दिलाए हैं तो सेमेस्टर की, और ईयर में दिलाए हैं तो ईयर की। उसके बाद DEd, BEd मार्कशीट प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर की। साथ ही साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा TET उत्तीर्ण पूर्व माध्यमिक हेतु। उसके साथ छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र SDM द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि आपने अप्लाई किया है तो, उसके बाद व्यापार द्वारा जारी प्रवेश पत्र। तो इन सभी चीज़ों को आपको लेकर जाना है। यदि आप शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर भी जाना है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी प्रवेश पत्र आपको लेकर जरूर जाना है, इसके अभाव में अपात्र कर दिया जाता है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ही जाना है, इसके अभाव में आपको अपात्र कर दिया जाएगा। उसके बाद उपरोक्त समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र व्यापम के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक के पश्चात जारी होने पर मान्य नहीं होगा। तो बहुत लोगों का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि क्या सर, परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद यदि हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो क्या वह मान्य होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि वे सब मान्य नहीं होंगे। यदि NOC की बात करें तो NOC आपने पहले अप्लाई कर दिया है जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे, और अभी आपको अनापत्ति प्रमाण मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने अप्लाई पहले किया था। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप नियुक्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले अप्लाई किया है और प्रमाण पत्र अभी मिल रहा है तो भी इसे कोई दिक्कत नहीं है, उसको मान्य किया जाता है ना। हमने लेक्चर के
एग्जामिनेशन में देखा था, लेकिन फॉर्म अप्लाई आपको बहुत पहले एग्जामिनेशन के पहले करना होगा जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय। तो दोस्तों इस प्रकार आपके पास भी कॉल लेटर आया होगा, यदि नहीं आया है तो आप अपने नज़दीकी पोस्टमैन के पास जाकर पता कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अलग अलग टीचरों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जैसे कि सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए आपको 14 जिलों में अप्लाई किए हैं तो 14 सेट लेकर जाना होगा, और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी 14 सेट आपको लेकर जाना होगा। तो इस प्रकार सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने से ले जाना होगा, वहाँ आपको नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे संबंधित आपको कोई भी सूचना जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दोस्त विनय।